हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल जीनिया का जो है मौसम चल रहा है और जीनिया के फूल बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारे कलर्स में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास है ऑरेंज, मैजेंटा कलर का, ये पिंक हिस्सा है और इसके बगल में जो है रानी कलर का है और उसके बगल में येलो कलर का है। तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फूल रहते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आपके घर की रौनक बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। येलो वाला तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो आप डिफरेंट कलर्स के जीनिया अपने घर में लेके आ सकते हैं और उगा सकते हैं। तो चलिए मैं भी रिपोर्ट करती हूँ अपनी जीनिया। तो सबसे पहले जो मिट्टी है, मैं जब भी नर्सरी से पौधा लेके आती हूँ उसको 2 या 3 दिन तक ऐसे ही रख देती हूँ जैसे कि आप देख रहे हो पॉलीथीन में, ताकि वो जो है मेरे घर के एनवायरनमेंट में ढल जाएं, क्योंकि नई जगह जाके चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो, थोड़ा टाइम एडजस्ट होने में लगता है उसको, हमारे टेम्परेचर हमारा एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने में। उसके बाद जो है जो मैं खाद होती है वो पहले से ही अच्छे से उसको डिग करके उसमें जो फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, मैं मोस्टली डालती हूँ उसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और थोड़ा सा नीम खली डाल के और थोड़ा सा पोटेशियम, पोटेशियम मैं बहुत कम डालती हूँ, उसको डाल के पहले से मैं मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। फिर जो दूसरे तीसरे दिन मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करती हूँ जैसे कि आप देख लो, और जब मैं प्लांट को रिपोर्ट कर देती हूँ उसके बाद इसको अच्छे से जो पॉट होता है क्योंकि गंदा हो जाता है उसको मैं वाइप से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि पॉट भी अच्छा लगे और हमारे फूल भी अच्छे लगे। तो देखिए मैं ये रिपोर्ट करती हूँ और दिखाती हूँ कि आपको कितना 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 सुंदर लग रहा है, कि आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके घर में चारों चांद लगा देते हैं, आपके टेरेस में, आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा ये जो है लुक लेके आएगा और ये बटरफ्लाइज भी आपके जो है गार्डन में घूमने लग जाएंगे क्योंकि उनको भी ये फ्लावर बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितना 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 सुंदर लग रहा है। मैंने चारों के चारों एक पॉट में, क्योंकि मेरा रेक्टेंगुलर पॉट है उसमें लगा दिया, एक काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह से प्लांट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक